मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के आदिवासी बहुल अलीराजपुर जिले में स्कूलों के भवन भगवान भरोसे हैं। जी हां, अलीराजपुर शहर के स्कूलों का यही आलम है। शहर के तीखी इमली इलाके की शासकीय माध्यमिक व प्राथमिक स्कूल बारिश में पानी पानी हो गई है। क्लासों में छतों से पानी टपकने के चलते बच्चों को बैठने के लिए जगह तक नहीं मिल पा रही। वहीं यह दोनों स्कूल के भवन जर्जर अवस्था में है, जो कभी भी बड़ी घटना को न्योता दे रहे हैं। शिक्षकों के बैठने का स्टाफ रूम भी छतों से पानी टपकने के चलते बैठने लायक नहीं बचा। अलीराजपुर शहर की तीखी इमली इलाके की शासकीय माध्यमिक शाला व प्राथमिक शाला जिसका बारिश से बुरा हाल है। यहाँ क्लासों में हर जगह छतों से पानी टपक रहा है तो कहीं दीवारों से पानी रिस रहा है। क्लासों के ये हाल है कि शिक्षकों को बैठने के लिए भी जगह नहीं मिल पा रही। क्लास में शिक्षक व बच्चों को जहाँ सूखी जगह मिल रही है वहीं पर पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। शिक्षकों का कहना है कि स्कूल में छतों से पानी टपकने व जर्जर हो रहे भवन की वरिष्ठ अधिकारी को कई बार शिकायत की और पत्र भी लिखे, लेकिन किसी का भी सुर ध्यान आज तक नहीं जाता। हमें बच्चों को पढ़ाने में काफी दिक्कतें होती हैं। स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र भी इस परेशानी के कारण अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे। छात्र छात्राओं का कहना है कि स्कूल की हर क्लास में छतों से पानी टपकता रहता है, वहीं जमीन पर भी पानी हो जाता है। पानी के कारण हमारे कॉपी किताब भी गीले हो जाते हैं, साथ ही हमारे कपड़े भी खराब हो जाते हैं। इस मामले में जिले के DPC का कहना है कि उनको जर्जर स्कूल भवन व ऐसे स्कूल भवनों की सूची बनकर नहीं आई है। ये जानकारी स्कूल के प्रिंसिपल व प्रभारियों को बनाकर भेजनी होती है, जो अभी हमारे विभाग के पास नहीं आई है। जो है पूर्व में भी जानकारी मांगी गई थी कि कितने भवन जो है ऐसे हैं जो कि जर्जर हालत या खराब स्थिति में है और बारिश में जिनके गिरने की संभावना है या कोई क्षति होने की संभावना है, लेकिन वो जानकारी हमको अभी तक प्राप्त है। उसके कारण से हम इसमें कौन से भवन ऐसे हैं जो ख़राब हैं, जैसे तत्काल जो है बच्चों को या किसी को जनहानि ना हो उसको दृष्टिगत रखते हुए उसको तत्काल शिफ्ट किया जा सके, अन्य किसी भवन में विद्यालय को शिफ्ट करें। ऐसे अगर हमको जानकारी मिले तो हम तत्काल उसके ऊपर आगामी कार्रवाई की जा सके। सर, ये जानकारी अपनों को जो मिली नहीं है वो कहाँ से आना है? ये एक्चुअल मैं विद्यालयों से ही आना है, क्योंकि विद्यालय का जो प्रधान अध्यापक है वहाँ के जो शिक्षक हैं वही हम सही स्थिति बता सकते हैं कि विद्यालय की स्थिति क्या है, क्योंकि वो लंबे समय तक विद्यालय में रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, पढ़ाते हैं, तो उनको उस स्थिति भवन की अधिक जानकारी है। वो बता सकेंगे कि कौन सा भवन ऐसा है जो कि ख़राब हो सकता है या जिसकी छत खराब हो रही है या दीवार खराब हो रही है, तो हम उसके अनुरूप फिर आगे कार्रवाई कर सकते हैं।